सलाह दी जाती है कि गुज़िश्ता एक माह से वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम चल रहा है जो 8 दिसंबर तक चलने वाला है। आज 7 तारीख है और कल 8 दिसंबर है, यानी 2 दिनों का वक्त हमारे पास है और हमने महसूस किया है कि कई लोगों के नाम, कई शहरियों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। अवाम से हम गुजारिश करते हैं कि अपने घरों के करीब से मिलकर फॉर्म नंबर 6 दाखिल करें। फॉर्म नंबर 6 में नाम दाखिल करने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा और आपका नाम वोटर लिस्ट में रह जाएगा। याद रखिए, आने वाले 8 तारीख यानी कल का आखिरी दिन है, 2 दिन हमारे पास बचे हैं। आप आंगनवाड़ी जाएं और वहां पर देखें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका तो आप फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना नाम दोबारा दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे 18 साल के हो चुके हैं तो उनका नाम में दाखिल करवाने के लिए आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है। अगर आपने यहाँ से मकान छोड़ दिया है, आप दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं तो आपको फॉर्म नंबर 7 भरना है। आपका नाम, आप जहाँ हैं, आप जहाँ मुंतकिल हो चुके हैं वहाँ आ जाएगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आप अपना नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं, अगर आप अपना फोटो करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म नंबर 8 भरिए, आपका नाम करेक्शन हो जाएगा, आपका फोटो करेक्शन हो जाएगा। अवाम की तला के लिए, अवाम की मालूमात के लिए आपका ये भाई सज्जाद हुसैन आपके बीच आया है ताकि आपको इतला कर सके। हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज जहां नहीं पहुंच रही है वहां तक हमारी आवाज को पहुंचाएं और लोगों को मतला करें कि आपको वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना है। 2023 में असेंबली इंतखाबात है, आने वाले दिनों में अगर आपको असेंबली इंतखाबात में वोट देना है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। आपका वोट आपके मोहल्ले का मुस्तकबिल है, आपका वोट आपके शहर का मुस्तकबिल है, आपका वोट आपकी रियासत का, आपके मुल्क का, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए वोट का सही इस्तेमाल करें और वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर लिखवाएं।